बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कभी भी जीवन में लाइट फिटिंग में आप मात नहीं खाएंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखें, बहुत ही गजब का ट्रिक है। दोस्तों, जब भी हम मकान बनाते हैं तो उसमें सबसे खास ख्याल जो हम रखते हैं वो लगते हैं लाइट फिटिंग का। हम सोचते हैं लाइट फिटिंग अच्छी से अच्छी हो और बहुत ही अच्छा लुक हमें दिखाई दे अपनी लाइट फिटिंग में। तो यहाँ तक कि हम क्या करते हैं कि कंसील बॉक्स जो होते हैं और फैन बॉक्स जो होते हैं इनको डालते हैं, लेकिन लेंटर में जब हम डालते हैं तो कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी होती है। इसके बारे में आपको बताऊंगा कि हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे क्या है कि ये इसमें सीमेंट भर जाता है, रुक जाता है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ी फिटिंग ली है और उसमें कम से कम 4 या 5 फैन बॉक्स इस तरीके से हो जाते हैं या फिर कंसील हो जाती है कि वो रुक गई, तो इसको खोदने में आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। तो खराब दिन खराब होगा तो आपका मतलब नुकसान भी होगा और कस्टमर भी आपको कहेगा कि ये आप कैसा काम किया है, आपने ये कैसा काम किया है कि आपको चाहिए कि आप अच्छा काम करें। तो ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कभी जीवन में आपका ना तो कंसील रुकेगी ना फैन बॉक्स कभी सीमेंट से भरेगा, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ खास ट्रिक बताऊँगा। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सीमेंट का बिल्कुल भी वो नहीं जाएगा। मैं आपको बताऊँगा इसमें आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं हम इसमें 2 ट्रिक अपनाएंगे। एक तो है सबसे पहली ट्रिक जो है टेप की। यहाँ पर मैंने वाइट टेप लिया है, लेकिन आपको यहाँ पर ये वाइट टेप क्या है कि थोड़ा कॉस्टली आता है और आपको यहाँ पर लेना है खाकी कलर का जो टेप आता है, कार्टून पे गत्ते वगैरह पे आपने लगा देखा होगा, जनरल स्टोर की शॉप पर जो वो लगाते हैं उस तरीके का खाकी टेप लेना है। स्टेशनरी की दुकान, जो किताब कॉपी की दुकान होती है, वहाँ पर ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लगाना है। इसमें आप जहाँ जहाँ सुराख दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पर आप इसके इस तरीके से लगा सकते हैं और आगे इस तरीके से भी आप इसको लगा दें, एक राउंड लगा दें या फिर 2 राउंड लगाने पड़ेंगे आपको इसमें। आप यहाँ देख सकते हैं ये कट करना चाहें तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन 2 राउंड लगाएंगे तो ये टेप हटेगा नहीं बिल्कुल भी इस तरीके से। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा कवर हो चुका है और जहाँ सुराख आपको लग रहा है वहाँ पर एक राउंड और लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से लगाते हैं, ये पैक हो गई है, इसमें आप कहीं से सीमेंट नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है सरिया वगैरह से कट जाती है। तो इससे भी एक और बेहतर जुगाड़ है जो मैं आपको बताऊंगा उसको आप कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, एक तो ये हो गया, इस पर आपको टेप लगानी है। दूसरा हमारा ये है थर्माकोल का। अब थर्माकोल हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर इसमें पेच लगे हुए होते हैं, पेच हमको खोलने होते हैं। ये पेच हमने खोल लिया, इसके अलावा यहाँ पर आप इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। इसमें आप जब ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये अंदर घुस जाएगा इसके बाद, तो इस तरीके से ये घुस जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्या है कि इस तरीके से इसके चाहे तो आप टुकड़े कर सकते हैं, बहुत इजीली टुकड़े हो जाते हैं निशान लगाकर, और इस तरीके से इनमें कंसील में भर लीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से भर लीजिए, 4 एक टुकड़े आएंगे लगभग इसमें और ये आपकी कंसील बिल्कुल पैक हो जाएगी इससे। और इसके बाद जो इसका ऊपर का रिंग है वो लगा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने लगा दिया है, अभी एक और आएगा इसके अंदर। दोस्तों अगर फोम आपका मोटा है, मतलब थर्माकोल मोटा है तो इसमें कम आएंगे, अगर थर्माकोल पतला है तो ज़्यादा आएंगे, तो आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैन बॉक्स में भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फैन बॉक्स में क्या है कि आप टेप का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें क्या है कि इस तरह की रिंग नहीं होती है तो ये निकल जाएगा। जैसे थर्माकोल भर दें तो ऊपर से 1-2 राउंड आप टेप के लगा सकते हैं फैन बॉक्स पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्माकोल हमने इसमें पूरा भर दिया है, इसमें लगभग 5-4 टुकड़े आए हैं मतलब कटिंग के, लेकिन क्योंकि थर्माकोल ही पतला था इसलिए, अगर आप थोड़ा मोटा लेंगे तो कम आएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी फिर ये जो रिंग है इसको कस देंगे और कसने के बाद अब आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसमें आपको टेपिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंसील बॉक्स में। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये हमारे रुक जाते हैं सीमेंट वगैरह से, जब वाइब्रेटर चलता है लेंटर पे तो अधिकतर ये दिक्कत हमें जब आती है। अगर इसमें जगह नहीं होगी तो ये आपको मतलब इसमें रुकेगा नहीं, ना ही इसमें सिमट जाएगी। तो इसमें अगर आप पाइप लगाएंगे तो पाइप ईजिली अंदर चला जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ईजिली चला जाएगा, PVC पाइप जो आप लगाएंगे। तो
इस तरीके से आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम और है कि जब आप इसमें थर्माकोल लगा लें तो आपको लेंटर में जब लगाना होगा तो इसके नीचे एक आपको अखबार लगाना होगा, और फैन बॉक्स पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना होगा, जैसे जहाँ पर भी जितने कैंसिल्ड और फैन बॉक्स लगे हुए हैं इनको जब हम उल्टा रखेंगे तो सबके नीचे एक एक अखबार हम ज़रूर लगाएं जो फट्टे से बिल्कुल टच रहे, मतलब ऊपर ना रहे, जो बीच में इसकी क्या है कि सीमेंट की लेयर बन जाती है तो दिक्कत होती है। तो अगर ये उठा हुआ है तो आपको इतना गत्ता लगाना है उसके नीचे, इतना अखबार या गत्ता इतना लगाना है जो उसके टच हो जाए, मतलब सेटरिंग के। तो इस तरीके से आप इसको रखेंगे तो इसके नीचे अखबार लगाएं, अखबार से आपको पता रहेगा। और इस तरीके से ये ट्रिक अपना सकते हैं बहुत ही इजीली, कभी भी आपका फैन बॉक्स जीवन में नहीं रुकेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया इसमें आप थर्मोकोल जो होता है ये लगा सकते हैं। इसकी सीट आपको स्टेशनरी की दुकान पर इजीली मिल जाती है 10-12 रुपए की, और इसमें मतलब एक सीट में कई सारे ये कंसील आपकी भर जाती हैं। ये पेटेंट जुगाड़ है, मतलब पेटेंट तरीका है ये वाला। इसके अंदर बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होगी सीमेंट वगैरह जाने की, सिर्फ आपको जो पाइप डालना है उसमें ही थोड़ा होल करना है, बहुत ही ईजिली होल हो जाता है और पाइप भी अंदर चला जाएगा। दूसरा ये भी है कि जब आप इसको खोलेंगे तो बहुत ही ईजिली आप साफ कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमको इसके पाइप वगैरह काटते हैं, इसमें सीमेंट निकालते हैं तो आँखों में भी गिरती है। दूसरा ये है कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हमको, तो इसमें थर्माकोल अगर लगा रहेगा तो ये दिक्कत आपको इसमें बिल्कुल नहीं आने वाली है। दूसरा ये तरीका भी मैंने आपको बताया है, इसमें आप चारों तरफ टेप कर सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो में आपको बताया आगे से टेप कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेप है, यहाँ पर भी टेप है, यहाँ पर भी टेप है, यहाँ पर, और इस तरीके से टेप लेते हैं। लेकिन आपको ये व्हाइट वाली टेप नहीं लेनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है क्योंकि इसमें साफ क्लियर दिख रहा है। इसलिए इसमें जो खाकी टेप आती है कार्टून पर आपने देखी होगी लगी हुई खाकी कलर की, वो टेप लेनी है। वो सस्ती भी आती है और उसको आप अच्छे से यूज कर, मतलब इसमें अच्छे से टेप लगा दें। जैसे यहाँ सुराख है तो एक राउंड यहाँ लगा दें, एक यहाँ लगा दें और एक यहाँ इसके टॉप पर लगा दें, उसके बाद आगे लगा दें, इसके बाद ये पैक हो जाएगा। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। और जब आप इसको रखेंगे सीलिंग पर तो इसमें क्या कि इसके नीचे एक पेपर लगाएं। पेपर से ये होता है कि जैसे लेंटर हम डालते हैं तो पेपर इसके नीचे रह जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सीमेंट से मतलब वो दिखता नहीं है तो पेपर उसके चिपका रहेगा, तो पेपर से आप उसका निशान लगा सकते हैं और इसको खोल सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हल्की सीमेंट इसे थोड़ी सी क्या उठ जाती है जब वो क्या है कि इस पर चलते हैं लेंटर पे, जब लेवर चलती है तो ये थोड़े से उठ जाते हैं तो इसके नीचे सीमेंट की लेयर आ जाती है। अखबार लगा रहेगा तो उससे आपको पता रहेगा कि यहाँ पर हमारी कंसील्ड है, तो उससे आप इसको खोल सकते हैं। और इसी तरीके से आपको फैन बॉक्स में इसमें थर्माकोल भर सकते हैं या फिर इस पर भी टेप लगाकर ये तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों अगर कोई सुराख इसका रह जाता है तो उसमें अखबार वगैरह भर सकते हैं, थर्माकोल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से अगर आप इसमें लेंटर में जब ये कंसील बॉक्स और फैन बॉक्स करते हैं मतलब लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी जीवन में आपका, ना तो फैन बॉक्स रुकेगा ना कंसील बॉक्स रुकेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।